हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एमएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। बीएड थर्ड सेमेस्टर का सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पेपर है ये, और एमएड का पेपर है एमएड थर्ड सेमेस्टर का। इसकी टाइमिंग 3 घंटे की है और ये 70 नंबर का पेपर है। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करना है और सभी के अंक समान होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र तथा शिक्षा के समाजशास्त्र के मध्य अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अभिवृत्ति एवं मूल्य निर्माण में विद्यालय तथा समुदाय की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 14 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। सामाजिक गतिशीलता की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन के कारक एवं प्रतिबिंब के रूप में शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय समाज के संदर्भ में संस्कृति और शिक्षा की विवेचना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और सभी क्वेश्चन के जो नंबर है वो समान है, यानी कि 14-14 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चंस हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आप करते हैं तो वो 14 नंबर का होगा। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मिश्रित संस्कृति क्या है? भारत में सांस्कृतिक एकता एवं विविधता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9, इमाइल दुर्खीम के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मानवाधिकार शिक्षा से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार एवं मूल्य शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। सो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या कोई कंटेंट चाहिए। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। सो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। BA, BSc, BTC, BEd और MEd की। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।